खबरों की खोज करना हमारा कर्तव्य है। एसी कमरों में बैठ करके खबरें नहीं मिलती, खबरें हमेशा धरातल पर मिलती हैं। माटी पुत्र हूँ, माटी की बात करता हूँ, इसीलिए माटी की खबरें भी दिखाता हूँ। तस्वीर आपको दिखाता हूँ, देखिए तस्वीर। आप दूर दूर तक देखेंगे आपको हरियाली दिखेगी, पानी दिखेगा, बहुत खूबसूरत नजारा दिखेगा। आप बोलेंगे भाई ये कहाँ आ गया हूँ मैं, मेरे पीछे का ये जो इलाका है, ये जो पानी है, ये चांडिल का पानी है, चांडिल डैम का पानी। और यहाँ से जो जमीनें आपको दिख रही है, जो हरी हरी खूबसूरत जमीनें दिख रही हैं, असल में वो विध्वंस है। विध्वंस कहते हैं 116 विस्थापित गांव। आप अंदाजा लगाइए 116 ऐसे गांव हैं जो 10 से 15 दिन के बाद जैसे ही बारिश होगी आप लोग बोलेंगे आह बहुत आराम मिली गर्मी से, लेकिन वो 116 गांव डूब जाएंगे। उनके पास रहने को जगह नहीं होगी, उनके पास खाने को खाना नहीं होगा, उनके पास पीने को पानी नहीं होगा। मैं उन्हीं गांवों की आज तस्वीर आपको दिखाऊंगा। जिस पुल पर मैं खड़ा हूं, इस पुल से सीधे चले जाइएगा तो सराय के इलाके कुकड़ू पहुंच जाइएगा, चांडिल के कुकड़ू। और जिस पुल पर खड़ा हूं इसके उल्टी दिशा में आप चले जाइएगा तो आप चले जाइएगा ईटागढ़ गांव। मैं पूरे विस्थापन के आज ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। इस पूरे विस्थापन के दौरान लाइव 7 टीवी के कोल्हान हेड सुनील गुप्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगे और लाइव 7 टीवी के हमारे संवाददाता, मेरे सहयोगी, हमारे चांडिल के सहयोगी गुलाम रब्बानी मेरे साथ रहेंगे। सबसे पहले गुलाम, आप इस जगह से बचपन से पैदा हुए, मतलब पैदा हुए बड़े हुए सब कुछ देखा, 116 गांव, मतलब वो 116 गांव जहां आज से कुछ दिन बाद न खाना बनेगा न कोई पानी पीने को रहेगा। झारखंड में भी ऐसा गांव है, लेकिन आप रांची चले जाइए, रांची में लोगों को नहीं पता है कि झारखंड के सरायकेला में रांची से लगभग 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर कुछ ऐसे गांव हैं जो कि डूब जाते हैं, एकदम खत्म हो जाते हैं। आज तक ये बाहर ही नहीं आई बात, ऐसा क्यों, क्या लगता है, क्या करें? देखिए, सबसे बड़ा जो ईटागढ़ का एक समस्या है विस्थापन की समस्या है, और ये समस्या हर साल आता है। ये समस्या आने के बाद जो यहाँ के नेता जो राजनीति रूप से जो यहाँ दिखाते हैं, जो लोगों के साथ जो रवैया अपनाते हैं, जब ये गांव आप देख रहे हैं, जब ने ये नजारा दिखा, ये जब गांव डूबता है, इससे पहले कोई नेता, जनप्रतिनिधि या तो फिर अधिकारी इस क्षेत्र में नहीं आते हैं। जब ये डूब जाता है तो कोई मूढ़ी लेके आता है, कोई बिस्किट लेके आता है, या तो कोई राशन लेके आता है, चावल लेके आता है। उसके बाद उससे पहले का जो तैयारी है, डूबने से पहले कुछ भी तैयारी नहीं है। कोरम पूरा करने के लिए चांडिल अनुमंडल परिसर में एक बैठक होती है, जिसमें जनप्रतिनिधि होते हैं, अधिकारी होते हैं। वो कोरम पूरा करने के बाद जो बैठक में निर्देश होता है, आदेश मिलता है, उसका कोई भी पालन नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि किस तरह से रवैया अपनाते हैं, जिसका दंश यहाँ के 116 गांव के विस्थापितों को भुगतना पड़ता है। अब सवाल ये है कि भाई हम यहाँ आए क्यों, गांव तो अभी डूबा है नहीं। लोगों का सवाल ये होगा, देखिए 10 से 15 दिन का वक्त है, अभी भी अगर सरकार प्रशासन चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। हम जगाने के लिए हैं उनको। कोल्हान हेड सुनील गुप्ता हमारे साथ है। सुनील, पिछले साल भी मुझे याद है सुनील गुप्ता यहाँ आए थे, गांव के डूबने की तस्वीरें दिखाई थी। आज हम 10 दिन पहले पहुंच गए हैं। मकसद साफ है, सरकार प्रशासन सबको झंझोड़ के जगा देना कि भाई जगिए, इस जगह की जनसंख्या आपको पुकार रही है। मकसद तो यही है ना सुनील? देखिए अभिषेक जी, आपको बता दें, सबसे बड़ी बात मैं जो आपको साझा करने वाला हूँ, अगली बार हम लोगों ने आए तो खबर पे काफी लोग आपत्ति भी जताए थे कि भैया सबको तो यहाँ से हटा करके जो विस्थापित क्षेत्र है उन लोगों को विस्थापित जगह पे रख दिया गया है। तो हम लोगों ने कहा हो सकता है कि हम लोग शायद उस जगह को दिखा नहीं पाए हों, लेकिन आज हम लोग पहले आ गए। जब इस क्षेत्र डूबेगा उससे आज हम लोग पहले आ गए। 116 गांव को विस्थापित किया गया है, इसमें कोई बात नहीं है, कागज और पन्नों पे हो चुके हैं सारी ये जितने भी खेला करने की बातें हैं। आप हमको एक चीज आपको बताना चाहेंगे, जहां पे 116 गांव को विस्थापित किया गया है उस जगह पे इंसान नहीं, शायद जानवर भी ठीक से नहीं रह पाएंगे। और जब ये बोला जाता है कि जब इस जगह के लोगों को सारी मुआवजा राशि दे दी गई है तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं उनकी बात रख रहा हूँ कि इनकी मुआवजा राशि दे दी गई है। शायद अभी तक अगर मुआवजा राशि इनको मिल गई होती और इनको विस्थापित जगहों पर रख दिया गया होता तो ये चले भी जाते, लेकिन जो इनकी जमीन है, जो इनकी घर है, उसके बदले में इन्हें आज तक पैसा ठीक से मिला ही नहीं है। और जिस जगह पे अपने जो बहुत खेत जोत कर खा रहे थे, कुछ बोके खा रहे थे, दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर रहे थे, वहां तक का भी इंतजाम उस जगह पे होना चाहिए था। ठीक से उनको रहने तक का वहाँ जो मूलभूत सुविधा होता है, स्कूल, पानी, सड़क, गली, नली,
ये सब की जो व्यवस्था होती है रोजगार की छोड़ दीजिए, वहां तक की भी व्यवस्था नहीं इनके पास। और साथ ही जब आप आइए इस डूब क्षेत्र को बनाने के लिए कि भाई यहाँ के विस्थापित लोग जाएंगे कहाँ, तो यहाँ की जो कीड़े मकोड़ों की तरह से पता नहीं कैसे बुलबुला करके सारे नेता बाहर हो जाते हैं। कुछ पक्ष में होते हैं, कोई विपक्ष में, तो कोई अपने राजनीति साझा करने के लिए आते हैं, कोई लोग होते हैं जो इस राजनीति को अपना एक अलग आयाम देना चाहते हैं। इस तरह की बात होती है कब, जब ये डूब क्षेत्र डूब जाता है उसके बाद। हाँ, कुछ अच्छे नेता हैं जो यहाँ पे चाहते हैं कि भाई इन डूब क्षेत्र को, इस 116 गांव को जहाँ विस्थापित किया गया, उनको वो सुख सुविधा दिया जाए, और जो उनकी विस्थापित करने के बाद पहले की जो राशि एक मनोनीत हुई थी उस राशि को मतलब उन तक पहुंचा, उनको खाते में मतलब दे दिया जाए। दलाल जो सुरावी है वो नहीं रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ के तीन पात बनकर रह गए हैं ये विस्थापित। तो कुल मिलाकर के देखिए, आज तक आपने तस्वीरें देखी होंगी उन रिपोर्ट्स की जहाँ गांव डूब जाते हैं जिसके बाद की तस्वीरें, आज पहली बार टीवी इतिहास में जो आज तक कभी नहीं हुआ वो होने वाला है। होने क्या वाला है, मैं आपको लेके चलूंगा ईचागढ़ गांव में, जो गांव आज से 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद डूब जाने वाला है। यकीनन कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि वो गांव 116 गांव डूब जाने वाले हैं। कोई रहनुमा है जो इन गांवों को बचा सकता है, यहाँ के लोगों को बचा सकता है, तो बचा ले। ऐसी रिपोर्ट जो आज तक आपने नहीं देखी है, पहली बार लाइव 7 की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है जो इस पूरे डूब क्षेत्र का दौरा करेगी और आपको सबसे बड़ी ग्राउंड जीरो कवरेज दिखाएगी। तो आपको लेके चलते हैं आज ईचागढ़ गांव की ओर, जहां पर हम आपको झारखंड के टीवी मीडिया की सबसे बड़ी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आज दिखाने वाले हैं। बने रहिए लाइव 7 टीवी के साथ। तो पहली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आ चुका हूँ ईचागढ़ गांव में। देखिए, वो पुल से नीचे उतर करके जैसे ही मैं उतरा हूँ, ये पूरा इलाका आज से 10-15 दिन के बाद डूब जाएगा, डूब के बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मतलब स्थितियां ऐसी हैं कि इस पूरे इलाके में पानी भर जाएगा। ठीक है, सवाल ये उठता है कि पानी भरने के बाद खबरें बनती हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है जब पानी भरने से पहले यहाँ पर आए हैं। अब मैं आपको खेल दिखाता हूँ, कुछ लोग हैं, मैं इन्हीं से पूछता हूँ। देखिए, ये लोग यहाँ रहते कैसे रहते हैं, समझने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? भुटका मंडल। भुटका मंडल, यही रहते हैं? अच्छा, कुछ दिन में आप तो डूब जाएगा। हाँ। आपका घर भी डूब जाएगा? डूब जाएगा, वो तो ऐसा है, ऑफिसर भी पैसा डैम प्लस से ले लेता है, पैसा उन लोग गेट बंद कर देता है, घर द्वार जब बोला अपना खाली कर दीजिए। कुछ दिन बाद फिर आप लोग कैसे रहिएगा, खाइएगा, पीजिए? ऐसे धार पास में रहेगा। कहाँ चल जाते हैं? ये साइड में पुलिया में रहता है। पुलिया पर ऐसे टेंट लगा के? ऐसे टेंट लगा के। कितने लोग वहाँ पर रहते हैं लगभग? यहाँ कम से कम 1000-1500 रुपया आदमी से पड़ता है। रोड के काम इधर हो जाता है, रंजित लोहरा भी ऐसा ही, उन लोग जो एक तो सुबह देते हैं ब्लॉक वाला जो ठीका लेता है उसी ब्लॉक मोड़ के चमकाने के लिए रंजित लोहरा इन चावल को डूबी चित्र कर देते हैं। ऐसे आप यहीं पर रहते हैं, ये आपका घर है, क्या करते हैं आप? हम लोग यही सब काम करते हैं, सब्जी उब्जी। अच्छा अच्छा, सब्जी उब्जी बेचते हैं। चलिए चाचा, हिंदी आता है? हाँ। हिंदी बोल लेते हैं? हाँ। यही रहते हैं? हाँ, यही रहता है। अच्छा, ये तो कुछ दिन में डूब जाएगा? डूब जाएगा। तो कहाँ जाइएगा? हिले तो हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। खाना पीना कैसे होगा फिर? खाना पीना तो अभी मिलता नहीं है, और काम भी सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा। हाँ। तो नेता विधायक आता है यहाँ मंत्री, मतलब वोट मांगने? हाँ, वोट मांगने के लिए आता है। अच्छा, ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा, इन लोग का कुछ नहीं करता है। अच्छा, तो हम उधर पता किए तो सब कहा कि नहीं, हम तो विस्थापित को पैसा दे दिए हैं, घर दे दिए, जमीन दे दिए। जी जी, दिया है? दिया है। तो आप लोग कहीं नहीं जाते हैं वहाँ? पैसा खर्चा हो जाता है। अच्छा, गरीब आदमी ऐसे ही ऐसे ही नहीं दिया आपको? खरीद करके खाते हैं। अच्छा, इनसे भी पूछते हैं। तो हम पूछे वहाँ पर स्वर्ण रेखा ऑफिस में, क्या पैसा तो दे दिए, लोग जेबे नहीं करता है, तो हम लोग पैसा कौन दिया? पैसा जो 6 लाख रुपया लेता है उसमें से ऑफिसर कम से कम 4.5 लाख ले लेता है पैसा, ऑफिसर वाला घूस लेता है। रंजित लोहरा कम से कम 50% मांगता है साइन करने से पैसा, विधायक 50% मांगता है पैसा लेने के लिए।
तो कौन बिस्ता फिर पैसा मांगता है? विधायक अधिकारी रंजीत चोरा सब पैसा लेता है। सब चोर पे है, सब पैसा लेता है। इनका कहना है कि विधायक भी पैसा मांगती है, रंजीत लोहरा एसडीओ है ना, एसडीओ भी। आइए आइए इधर आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार साहब। संतोष यही रहता है? यही रहता है। कौन चोर है? रंजीत लोहरा। रंजीत लोहरा विधायक भी है। अच्छा कहा है? देखिए आपसे पैसा मांगा? हाँ आधार भी पैसा मांगा। अरे बाप, आधार भी पैसा मांगा। हमारे अभी तो कहीं कहाँ जाएंगे शिकायत करने? सब चोर है, सब इसी है, सब मिला भगत है, सब मिली भगत है। अच्छा ऑफिस जाते हैं, मेरा एक जमीन है, जमीन के चलते मेरा अभी केस चल रहा है। अच्छा यहाँ एक डिसमिल का कितना पैसा देता है? यहाँ तो हम लोग पहले दिया था कि मैं एक बीघा का 600 रुपया मात्र, 600 रुपया दिया। अच्छा इतना जमीन हमें 60 बीघा जमीन किया, अभी तो नौकरी नहीं मिला है मेरा, 60 बीघा जमीन किया। अब हम लोग ऑफिस जाते हैं तो वहाँ बोलता है कि लोग जैसे नहीं करेगा तो पूछिए ना, लाइए भी ऑफिस को, हम सामने बोलेंगे। अच्छा हम सामने बोले जवाब देंगे उसके पास, रंजीत लोहरा के भी सामने जवाब देंगे। अच्छा आप क्या करते हैं, काम धाम क्या करते हैं? मेरा है बिजनेस है। तो मान लिया अभी तो पानी घुस जाएगा पूरा में, भागते ही सर क्या करेंगे, मेरा कुछ है कुछ मिला ही नहीं है अभी तक। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, आइए। सब कुछ देखा होगा आपने, आप इधर आइए ताकि मैं इनको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए ये पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, ठीक है। यहाँ एक चापाकल है, उसी में सोलर बोरिंग है, सोलर बोरिंग के थ्रू एक स्कूल है, यहाँ पर उत्क्रमित स्कूल है। इस उत्क्रमित स्कूल की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ क्या स्थितियाँ हैं। नियम अनुसार स्कूल के अंदर चापाकल होना चाहिए। पहली चीज तो ये है जो मेरा सवाल है कि भाई ये डूब क्षेत्र है, विस्थापित क्षेत्र है, यहाँ स्कूल बनाने का औचित्य सरकारी स्कूल का मेरे समझ में नहीं पड़ता। आइए गुलाम भाई आइए, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्कूल पूरे तरीके से कुछ दिनों में डूब जाएगा, मतलब 10 दिन के अंदर। उसके बाद ये जो पहला तल्ला है, नाव से लोग इधर आएंगे इसी रास्ते पर, और ये जो पहला तल्ला है, इस पहले तल्ले पर यहाँ से लोग चढ़ते हैं। आपको मैं तस्वीरें पिछले बार वाली मेरी दिखाऊंगा कैसे चढ़ते हैं, ऊपर खिचड़ी देंगे और इन बेचारों को किसी तरीके से रहना पड़ेगा। कोई मीडिया इधर नहीं आता, कोई विधायक नहीं आता, कोई सांसद नहीं आता। यह उत्क्रमित मध्य विद्यालय इचागढ़ कन्या, मतलब बच्चियों के लिए स्कूल है। ये सामने पुरानी बिल्डिंग है, ये बेचारे लोग जिनका घर उजड़ गया है ये लोग यहीं रहते हैं, क्या करेंगे, कहीं रह नहीं पाएंगे। स्कूल के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक ये पीने के पानी की जगह है, इसी में मोटर चलाने के बाद आता है ना पानी, नहीं आता है। अच्छा इसमें भी पैसा खा दिया? पैसा खा दिया सुबह दत्ता रंजित लोहरा। अच्छा कौन कौन है फंड इसका? सुबह दत्ता रंजित लोहरा। सुभाष दत्ता कौन है? उसी का स्टाफ है। अच्छा वो लोग पैसा खा गया है? इसका अभी तक मेरा बात नहीं हुआ। इसमें पानी नहीं आता है? नहीं, इसमें अभी तक फिट नहीं किया। अच्छा इसमें फिट नहीं किया है? देखिए ये देख लीजिए, ये 8वां आश्चर्य है, ये बना हुआ है लेकिन ये सिर्फ ऐसे बैठ करके और यहाँ कद्दू छीलने का काम है, इससे ज्यादा और कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। ये स्कूल देख लीजिए। चलिए मैं एक बार अपने सहयोगी टीम की तरफ अब चल रहा हूँ। सुनील, गुलाम, बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं। मेरा सवाल ये है, सुनील भी है, गुलाम भी, पहले गुलाम से मैं आ रहा हूँ। गुलाम मेरा सवाल ये उठता है कि भाई इस जगह में उत्क्रमित मध्य विद्यालय इचागढ़ कन्या, इस पर कुछ चलाने का बनाने का कोई औचित्य समझ में आता है? देखिए सबसे बड़ा चीज है, आज सच बोलिए कि जब ये गांव इचागढ़ गांव डूब क्षेत्र में आता है तो किस आदेश से किस अनुसार इसको यहाँ स्कूल चलाया जा रहा है? जब यहाँ डूब क्षेत्र है, डूब क्षेत्र में स्कूल चल रहा है कैसे, ये तो सवाल लोग करेगा। भाई जब डुबा दिए अब 43 गांव के अंदर ये स्कूल आता है, ये गांव आता है, तो यहाँ चलाने का कोई औचित्य नहीं होता है। पता नहीं है सरकारी सिस्टम किस लिए स्कूल यहाँ चला रहा है, ये तो आश्चर्य की बात। भगवान जाने। सांसद को देखें, यहाँ का सांसद कौन है जानते हैं? नाम कौन है? संजय सेठ। संजय सेठ को नहीं देखे हैं? विधायक को हम लोग देखे हैं। देखे तो है? तो आती है, आती है तो कभी आते हैं कभी नहीं आता। अच्छा वो भी कभी आती है कभी नहीं आती। अच्छा ये यहाँ पर देख रहे हैं लोग रहते हैं, ये भी विस्थापित लोग हैं क्या? अच्छा दीदी दीदी आइए एक बार आइए ना, यही रहते हैं आप लोग का घर किधर था? अच्छा तो डूब गया, सब डूब जाएगा, डूब गया है। तो यहाँ पर आप लोग रहते हैं, खाने पीने का व्यवस्था यही बनाते हैं, क्या करते हैं आप लोग काम धंधा? काम धंधा? अच्छा सब सब्जी बेचने वाले लोग हैं? सब सब्जी बेचने वाले लोग हैं ना। तो बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई अभी तो कुछ दिन में ही सब डूब जाएगा, तो फिर कहाँ जाइएगा? फिर इधर उधर जाएंगे, इधर फिर आएंगे, फिर पानी ठीक होगा तो फिर नीचे आइएगा। अच्छा यहाँ हम एक चीज और देख रहे हैं, इस जगह पर
मतलब बाथरूम जाने का कोई जगह नहीं हुआ है तो उसमें ताला लगल है तो कहाँ हम लोग वहाँ तरफ जाते हैं जो घर में घर जाते नदी के उस पार शौचालय आप लोग को घर उर में शौचालय नहीं मिला है कुछ नहीं हम लोग का गाँव द्वारा नहीं तो उसका भी पैसा खा दिया। देखिए ये यहाँ सरकारी योजनाओं का हाल है, शौचालय का भी पैसा खा गया, मतलब जो आप पीते हैं उसका भी खा गया, जो आप निकालते हैं उसका भी पैसा खा दिया है, ये तो स्थितियां हैं। चलिए ये हमारी गौ माता है, गौ माता थोड़ा सा हमको रास्ता दीजिए ताकि हम लोग निकल सकें। आइए भाई आराम से आइएगा, ना ना छाता की जरूरत क्यों है कोई, अच्छा इनको छाता की जरूरत है। आइए सुनील गुप्ता हमारे कोल्हान जो हेड है, सुनील बड़ी गजब की तस्वीरें हैं देख लीजिए, यहाँ पर स्कूल है, स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है, सब तो साफ साफ लोग कह रहे हैं कि SDO पैसा खा गया है, रंजीत लोरा पैसा खा गया है, तो अब क्या बोलिए उससे ज्यादा, उनके बारे में भी कह रहे हैं, सबके बारे में कह रहे हैं पैसा खा गया। देखिए इसके पहले भी अभिषेक आप भी ये खबर बना चुके हैं, हमने भी खबर बनाई है, और सबसे बड़ी बात इस स्कूल पे ही मेन हम लोग का मोटो था, जहाँ पे शेल्टर होम बनाया था एक फ्लोर डूबने के बाद दूसरे फ्लोर में। हमको अगले बार काफी है कि अधिकारी लोग थे और यहाँ का स्थानीय जो विधायक हैं मैडम जो हैं उनके द्वारा भी बहुत सारे लोगों के द्वारा कॉल आया था कि भैया वहाँ से आप बिना मतलब ही खबर चला रहे हैं, वहाँ किसी को रहने का आदेश नहीं है, सबको वहाँ से मिल गया है, सबको पैसा और सबको मतलब विस्थापित कर दिया गया है और विस्थापित जगह पे सबको दिया गया है जमीन। हमने वहाँ जाके देखा था, मैंने अभी चर्चा की गई, वहाँ हमने क्या देखा था, वहाँ किसी तरह कोई सुविधा नहीं है। अच्छा मान ली उनका बात विस्थापित कर दिया गया है, सब तरफ से उनको वहाँ पे रहने की जिम्मेवारी दे दी गई है, एक बात मेरे को बताइए, ये स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, सारा व्यवस्था आप दे दिए तो आप वहाँ दे दीजिएगा और डूब के बच्चा आएगा पढ़ने के लिए यहाँ पे इस स्कूल में, इस स्कूल का फिर यहाँ महत्व क्या बनता है, आप यहाँ सबको भेज दिए कि सारे लोगों को विस्थापित करके हमको रख दिया गया है, अलग दूसरी जगह आपको दे दी मुहैया करा दी गई है, और फिर जो यहाँ के बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, ना रहने का ठीक है, ना पानी का ठीक है, ना शौचालय का ठीक है, सब जगह देख रहे हैं कि सारी व्यवस्था बिल्कुल नदारद है। तो ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं वो मरता क्या ना करता, उसे सोचते हैं भैया हमारा कम से कम पुराना घर है, यहाँ पे हम रह रहे हैं तो कम से कम यहाँ स्कूल है या फिर गाँव नगर के लोग हैं यहाँ रहेंगे। इस घर को देखिए कभी भी गिर सकता है, कभी भी ये गिर सकता, पानी आएगा कभी भी गिर जाएगा, ये तस्वीर दिखाइए, देखिए ये घर पूरा गिर जाएगा। आप यहीं रहती हैं? यहीं रहती हैं? अच्छा कुछ दिन में तो ये डूब जाएगा पूरा, तो फिर कहाँ जाइएगा? है आप हैं, आप ही हैं, ये तो पूरा ही तो गिरने का कगार पर ही तो लग रहा है, कभी क्या करें, गिरने के बाद ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, तो घर तो प्रशासन लेके तोड़ दिया वो रोड वाला पुलिया वाला। अच्छा वहाँ तोड़ दिया? हाँ, वो जो रोड वाला उसका आप मिला मुआवजा? नहीं नहीं केस चल रहा है, रंजित लोरा था, रंजित लोरा अभी तक केस चल रहा है, कुछ मुआवजा नहीं। ये तो स्थिति है सरकारी सिस्टम का। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग वोट देते हैं? वोट तो देते हैं, वोट देते हैं, जब आता है नेता लोग तो लोग तो पूछते नहीं है हम लोग कितना साल से हैं, मतलब कौन आधार पर आपको वोट दे? वोट मांगते तो एक दो नेता सब आते हैं वोट मांगने, तो लोग से पूछते नहीं है, क्या बोलेंगे होगा होगा कम होगा इसमें क्या, बड़ा गजब बात है। बेटा इधर आओ, क्या नाम है? क्या नाम है? शिवशंकर। कहाँ पढ़ता है? यहाँ पे स्कूल में। अभी तो पानी घुस जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा? पानी में डूब जाता है ना जगह, तो उसके बाद कहाँ जाएगा, कहाँ पड़ेगा? पिछला बार डूबा था तो तुम कहाँ चल गया था पिछला बार? उधर चल गया था। देखिए इस बच्चे को भी पता है कि पिछले बार उधर चलेंगे। बेटा इधर आओ, तो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, शर्माओ मत। क्या नाम है बेटा आपका? सूरज। हाँ। कौन क्लास में पढ़ता है? हाँ। कौन क्लास में? टेन क्लास में। अरे आपके ऊपर मैट्रिक देगा जी। हाँ। कौन स्कूल? हाई स्कूल। हाई स्कूल में तो पानी यही रहता है तुम? हाँ। तो पानी घुस जाएगा आपके पास तो कहाँ जाएगा? दूसरा जगह घर है ना वहाँ चल जाएगा। अच्छा दूसरा जगह घर है वहाँ चल जाता है ना। हाँ फिर वापस जब पानी नीचे आता है यहाँ चल जाता है। हाँ। कितना साल हो गया तुम्हारा? 15। यहाँ तुम्हारा विधायक कौन है? पीछे पानी है, कैमरामैन सहयोगी देखिएगा संभाल के, बहुत उबड़ खाबड़ जगह है, बहुत मुश्किल था। तो तुम्हारा विधायक कौन है जानता है? देखा है? सांसद नहीं, नहीं देखा है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए ये तमाम लोग हैं, ये लोग कोई नहीं है। आप यही रहते हैं भैया? ये आपका दुकान है? तो ये तो कुछ दिन में तो पानी भर जाएगा, अभी 10-15 दिन में भर जाएगा तो भाग जाएंगे। भाग जाएगा तो क्या कीजिएगा, दुकान उतना दिन बंद रहेगा? बंद रहे चाहे एकदम ही बंद रह जाए तो खाना पीना? खाना पीना बरम टाट। अच्छा बरम टाट चल जाते हैं। तो मतलब कितना साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं?
33 साल हो गया। मुआवजा उजा कुछ मिला है? 33 साल और मेरा बाप दादा तो यही कह रहे हैं। बैठते हैं यहाँ पे, हम बहुत धूप है, थक गए हैं, आइए। ना नीचे इधर बैठे, आप नीचे ऊपर बैठेंगे, बैठिए बैठिए ना चाचा, कोई दिक्कत नहीं, आइए बैठिए, बहुत गर्मी है, आइए। सुनील भाई समस्या नहीं होता, आ गुलाम भाई आ जाइए। हाँ, कितना साल से आप रह रहे हैं यहाँ पे? हम लोग का पैदावार यहीं पर हुआ, यहीं का है, यहीं का। तो मतलब ये बताइए, हम जाते हैं स्वर्ण रेखा परियोजना में अधिकारी लोग से, तो सब कहता है कि नहीं नहीं हम तो विकास पुस्तिका दे दिए हैं, ये बन गया, मुआवजा दे दिए हैं, तो क्या सच्चाई? विकास पुस्तिका दिया है, पहले बाप दादा को दिया था, उसमें 20,000 रुपये मिला है। 20,000 में क्या होगा, हमारा जो मकान था उसमें 11,000 का पेमेंट था, है ना। बाप दादा का जितना जमीन चला गया, तो भाई भाई में आजकल तो हिस्सेदारी नहीं होता, उसमें 1,00,000 रुपया पेमेंट मिला था, उसमें भी 11,000 घूस दे। अच्छा अच्छा, घूस भी देना पड़ा? घूस भी देना पड़ा था। उसमें तीन भाई, मेरा बाप लोग तीन भाई है, तीन भाई में कितना करके हिस्सा हुआ? 33,000। ठीक है, 33,000 तो घूस में चला गया। नहीं, 1,15,000 कितना मिला था। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम लोग तीन भाई आए मेरा बाप का, ठीक है, 33,000 रुपये मिले। 33,000 में 1,000 हुआ तीन भाई का। तीन भाई का मेरा बाप लेके चार भाई, समझिए ना। अच्छा, बाप को भी तो, बाप को भी देना पड़ेगा, ठीक है। चार भाग में कितना हुआ? ठीक है, 8,000 रुपया। 8,000 रुपया लेके इतना ही हम लोग का पेमेंट मिला। हमारा विकास पुस्तिक मिला, 50,000 का दो मिला था, वो भी तो घूस में निकल गया कोई दूसरा काम में। कौन सा साल में मिला था ये पैसा आप लोग को? 91-92 में। 91-92 में यहाँ जमीन का रेट क्या था उस टाइम? जमीन का रेट सस्ता था, तो इतना सस्ता नहीं था, इतना सस्ता नहीं था। तो एक एकड़ में कितना पेमेंट दिया? 20,000 पेमेंट दिया होगा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 20,000 पेमेंट दिया है। कितना एकड़ आपका जमीन है? जमीन उसमें कितना? अच्छा, उससे भी गजब बात यही है जो हम देख रहे हैं अभी। अब आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो आप लोग का क्या मांग है? मतलब कुछ तो मांग होगा ना? मांग तो बहुत कुछ है, तो मांग कोई देगा तब ना। फिर भी बताइए, हम कोशिश करते हैं सुनाने का। विधायक जब आ रहे हैं तब बोल रहा है ये सब कर देंगे, जब एमपी आ रहे हैं तब बोलता हम सब कुछ कर देंगे, जब पानी भरते एमपी को फोन करता बोलता हम दिल्ली में बीमार है। अच्छा, जब विधायक को फोन कर रहा था विधायक बोलता अभी अभी हम टीएस में भर्ती है। जो साधु मात होता थोड़ा आगे मारपीट करके गेट मतलब खूब खुलवाता था, वो अभी तो खत्म हो गया। अब पानी भरेगा तो आदमी लोग इधर उधर भागेगा, कोई पुल में रहेगा, पानी घटेगा तो फिर आ जाता। सुनील, इन तमाम लोगों से बात करने के बाद एक बात तो समझ में आया, विवाद थोड़ा सा टेक्निकल थी, मतलब उस समय के हिसाब से कह रहे हैं कि मुआवजा तो मिला, लेकिन उस मुआवजा में कैसे जी? तो इसको एक बात मेरा और सुनिए, ये जो 40 साल से पानी को बांध के रखा, ना तो विद्युत पैदा हुआ, ना तो सिंचाई के काम में, पानी क्या काम में आ रहा? जब बरसात आता पब्लिक लोग को परेशान कर देता, बरसात खत्म हो जाता पानी छोड़ देता। अच्छा, कैंडल का पानी सिंचाई के काम में नहीं आता है? कुछ नहीं, नहीं दिया जाता ना, और सिंचाई में का देगा? जितना केनल है, केनल सब तो टूटा हुआ, केनल में पानी छोड़ेगा तो गांव में घुस जाता है। चांडिल डैम का मतलब क्या हुआ, मतलब समझ में? मतलब आप लोग उन लोग को पूछिए, बोल चांडिल डैम का मतलब क्या हुआ, जब आपका पानी भी सिंचाई में काम में नहीं आता, बिजली भी पैदा नहीं है, तो पानी भर के पब्लिक को परेशान क्यों करता है? चलिए मैं इनसे भी पूछता हूँ, क्या नाम है भैया आपका? नाम है नारायण मंडल। नारायण जी, स्वर्ण रेखा परियोजना में जब जाते हैं तो कहता है कि नहीं पैसा तो दे दिए हैं, मुआवजा भी मिल गया है, ये लोग जबरदस्ती बदमाशी करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? क्या पैसा मिल गया, मुआवजा मिल गया, विकास पुस्तिका बन गया, जब सब हो गया तो फिर क्या है सर? उन लोग चुतिया बनाता पब्लिक को। अच्छा, है ना, पब्लिक उग्र हुआ नहीं अभी तक, है ना, उग्र जिस दिन होगा ना उस दिन उन लोग रहना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ का इंचागढ़ का जनता भली भांति जनता है, उन लोग मतलब दिग्भ्रमित करता है, पुनर्वास का कहीं ठिकाना नहीं है। 75,000 रुपया देता है नौकरी के लिए, 75,000 में नौकरी होगा, पान दुकान नहीं होगा, ये चुतिया बनाता है। अभी अभी का जनरेशन में अगर कोई भी प्रोजेक्ट होता तो सबसे विरोध युवा करता है। अच्छा नहीं, इसमें क्या एक बात बड़ा अजीब सा है, कुछ दिनों बाद ही डूब जाएगा पूरा इलाका, पूरा डूब, आपका भी डूब जाएगा, हमारा भी डूब, तो कहाँ जाएंगे उसका? कहीं नहीं, कहीं वजह सब पुल में, कहीं स्कूल में, कहीं रिश्तेदार का वहाँ जाना,
तो मेरा सवाल ये उठता है कि हर साल आप लोग सांसद विधायक को वोट देते क्यों हैं? बहिष्कार होगा इस बार, बहिष्कार होना ही चाहिए, बहिष्कार होगा। आप लोगों की बात तो कोई करता नहीं, 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 अच्छा, नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सी जाति की? महतो है? और आदिवासी है ना। झारखंड किसका है? महतो आदिवासी, आदिवासी मूलवासी का। अभी मैं बहुत सारे नेता को देखता हूँ जयराम महतो, ये महतो, वो महतो, ये लोग भी विस्थापित फलाना ठिकाना सबका बात करता है, लेकिन यहाँ आकर के कोई नहीं बोलता है। नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा, जिस समय आएगा प्रलोभन देगा कि ऐसा कराएंगे वैसा कराएंगे, उसका बाद कुछ नहीं, सब झूठा मक्कर है, मतलब सब सबका वैसे सब बेईमान। देखिए मैं यहाँ से एक ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि पर्दे के पीछे जयराम महतो को जेएमएम फंडिंग कर रहा है, ऐसा मेरे को कहा गया। भाई जयराम महतो आपके लिए एक स्पष्ट देखिए संदेश है, कम से कम 10-15 हजार लोगों की जनसंख्या तो होगी, ये 10-15 हजार लोग, आप झारखंड की बात करते हैं, महतो की बात करते हैं, राढ़ सभ्यता की बात करते हैं, यहाँ पर राढ़ बंगाल ही बोली जाती है, राढ़ बंगला यहीं पर बोली जाती है, राढ़ सभ्यता यहाँ पर, जैसे राढ़गढ़ आपका रामगढ़ कहते हैं, तो राढ़ सभ्यता यहाँ भी पनपी थी ईटागढ़ के आसपास में। तो आप आइए इनकी आवाज उठाने के लिए, नहीं तो हम मानेंगे कि नहीं नहीं जेएमएम की विधायक है, इसीलिए आप उनका वोट बुलंद कर रहे हैं। गुलाम भी मेरे साथ है, मैं आपके पास आऊंगा, गुलाम भी मेरे साथ। गुलाम मैं बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसा कि ये बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी फूट यहाँ आपस के लोगों में भी है, मतलब मैं एक चीज देख रहा हूँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें महतो, बंगाली, आदिवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है एक मंच पर आना चाहिए, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो महतो अलग हो जाते हैं, आदिवासी अलग हो जाते हैं, ब्राह्मण का वोट अलग हो जाता है, ये तमाम चीजें होती है ना यहाँ पे, और इसी का खामियाजा ये जगह भुगत रही है। बिल्कुल, आप जब चुनाव आता है तो यहाँ जो ईटागढ़ विधानसभा है अलग अलग जाति में बढ़ जाता है, जब यहाँ का समस्या का बारी आता है तब भी लोग एक साथ नहीं आते। चांडिल डैम यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है, जब इस मुद्दे पर कोई सामाजिक कार्यकर्ता बोलिए या तो फिर राजनीतिक संगठन हो या तो सामाजिक संगठन हो, वो जाके जब धरना स्थल पर बैठते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं वो फलाना पार्टी का आदमी है, वो फलाना जाति का ही है, फलाना जाति के विषय से ये आंदोलन किया जा रहा है, उस आंदोलन को भी डैमेज किया जाता है। भाई समस्या तो विस्थापित का है, सब जाति के लोग हैं, 116 गांव में सब जाति के लोग रहते हैं, विस्थापित तो सब गांव के लोग हुए हैं, लेकिन जब आंदोलन होता है तो उसमें भी राजनीतिक रूप, सामाजिक रूप या तो जातिवाद वो चीज उसमें दिया जाता है, जिसके कारण वो आंदोलन भी सक्सेस नहीं होता है। अब पर्दे के पीछे भी उसका कारण भी है, पर्दे के पीछे भी जो सामाजिक संगठन आगे आता है आंदोलन करने के लिए, कोई ऐसा व्यक्ति जाके अधिकारियों का दलाल बन जाता है, ठीक है, कोई वो राजनीतिक पार्टी के लोग आते हैं दलाल बन जाते हैं, उससे बैकडोर से जाके पैसा लेके वो आंदोलन को चौपट कर देता है, तो यही एक समस्या, ये भी एक समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत अच्छा, सबसे गजब बात, आप तो बहुत गजब बात बताए। आइए सुनील, आप भी यहाँ ऐसे रहते हैं, किसी भी डैम का महत्व ये है कि या तो वो पानी देगा या बिजली देगा, दो ही चीजें देगा, डैम का मकसद ये रोजगार देगा, मछली पालन, फलाना ठिकाना, ये सब चीज होता है। ये आपको बता दे रहे हैं, लोग तो टाटा कंपनी का दलाल है, ये कोई भी किसी का भी सरकार हो ये टाटा कंपनी का दलाल है, पानी बेचता है। अच्छा, विस्थापित का टाटा कंपनी नहीं रख सकते एक परिवार को, इन लोग कभी पहल नहीं किया है, इतना बड़ा बड़ा उषा मार्टिन को ये देता है, टाटा कंपनी को देता है, इसका आपको आधुनिक को देता है, क्या इन लोग पहल नहीं करता कि विस्थापित का समस्या? ये सलाह सब गद्दार चोर बेईमान है, किसी का भी सरकार बढ़िया नहीं है, कोई भी जनप्रतिनिधि इसके आवाज नहीं उठाता है, एक भी विस्थापित का इन लोग दर्द नहीं समझता है, अगर समझता है तो सिर्फ पैसा लाओ। बहुत लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं आपके पर चुनाव लड़ने का, सब क्या कहिएगा, सब अभी बोल रहे हैं हमरा ईटागढ़ में हम ऐसा, कोई नहीं कोई नहीं, इस बार हम लोग गोलबंद हो गया है, इस बार हम लोग ठोकेंगे, यहाँ का बेटा यहाँ का विधायक बनेगा। चलिए सुनील, आप तो बहुत समय से यहाँ की राजनीति देख रहे हैं, भाई चांडिल डैम का महत्व क्या है, मतलब अभी क्या वैल्यू उसका, क्या काम क्या है चांडिल डैम का, पानी दे ये नहीं रहा, बिजली दे ये नहीं रहा, फिर क्या है, कौन क्या चल क्या रहा है? टाटा कंपनी भी 7 करोड़ रुपया बाकी है। एक बात हम आपको बताएंगे, पानी का एक दादा साहब ने बात की, उन्होंने कहा 1991-92 में हम लोग यहाँ से विस्थापित करके पुनर्वास एक जगह के लिए मुहैया कराई गई थी कि वहाँ पे हम सभी रहेंगे। 91 में भले ही जमीन कौड़ियों के भाव हुए हो, लेकिन एक बात बताइए, रहता तो यहाँ पे इंसान ही था, और ये जो पुनर्वास योजना चलाई गई थी और इसको डैम डूब क्षेत्र में घोषित किया गया था, इस ईटागढ़ क्षेत्र को, और उसको जहाँ जहाँ जो डैम का एरिया है वहाँ इसको
ले लिया गया था कि भैया यहाँ पानी हम बहुत ज्यादा मात्रा में है या फिर इसको हम लोग स्टॉक कर देंगे इसको, मैंने समझिए कि इस पूरे विस्थापित क्षेत्र को हम लोग डैम का एरिया, चाइनीज डैम का एरिया बना देंगे। उससे फायदा क्या होगा, ये जो इस विस्थापित क्षेत्र के जो लोग हैं जिनको पुनर्वास की सुविधा दी गई है, यहाँ मछली पालन करेंगे, नौका अपनाएंगे, माने कोई भी इस डैम से जो पैसे मिलेंगे इस विस्थापित मतलब कि क्षेत्र के लोग जिनको पुनर्वास किया गया, इनको कोई ना कोई फायदा मुहैया कराई गई। लेकिन आप यहाँ कभी भी आइए, इस विस्थापित क्षेत्र के जो डैम है, चांडिल डैम है, उस डैम से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े यहाँ के चोर दलाल जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो सबको बताते हैं कि विस्थापित करने का जो हम बीड़ा उठाए थे, विस्थापित हुए लोगों को जो कि हम उनको सही सलामत एक आवास मुहैया करा देंगे, उनको पैसा मुहैया करा देंगे, सच पूछिए तो इस विस्थापित जगह से उन दलालों की चांदी हो गई, उन नेताओं की चांदी हो गई है। आपको पहले छूरा भोकेंगे, फिर वहाँ पे दर्द जब हो तो मलहम लगाने के लिए आएंगे, थोड़ा दवा दे देंगे, चार दिन का सुकून मिलेगा, और बाद में फिर से आपका वही दशा हो जाएगा जब 91 ये खुद जिस लोग बोल रहे हैं 91 से जब ये विस्थापित हुए हैं, और अभी तक इन लोगों को सरकार यहाँ पे कोई भी सुख सुविधा मुहैया नहीं कराई है, कोई भी जगह मुहैया नहीं कराई है। और जहाँ कराई भी है, मैंने पहले भी कहा, वहाँ जानवर भी ठीक से नहीं रह पाएंगे। वैसे में मरता क्या न करता, जो इनका जगह था उसी में लड़ रहे हैं और कर रहे हैं अपना। ये देख लीजिए, ये तस्वीर है, ये तस्वीर, ये रोड जहाँ तक जाएगी, ये सड़क जहाँ तक जाएगी, पूरा इलाका डूबा हुआ है। ये समझ लीजिए कि आज से 10 दिन के बाद मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, छोटी सी, आइए सड़क के इस तरफ आइए, देखिए वहाँ पानी दिखेगा। ये चांडिल डैम का ही पानी है, देखिए ये चांडिल डैम का ही पानी है। यही पानी उड़ीसा जब पानी छोड़ेगा तो उसके बाद यही पानी का लेवल बढ़ता 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 जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक ये पूरा इलाका बिल्कुल डूब जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ संगठन आएंगे, वो खिचड़ी बांटेंगे लोगों के बीच में, कुछ संगठन आएंगे वो पानी बांटेंगे, ना पीने का पानी होगा ना। कम से कम कितने दिन तक यहाँ, कितने दिन तक पानी जमा रहता है ऐसा गुलाम भाई? 2 महीने 3 महीने तो ऐसे ही रहता है, तकरीबन 2 से 3 महीना पानी जमा हुआ, 3 महीना यही। उसके बाद यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और चिकित्सा सुविधा भी यहाँ के लोगों को नहीं मिलता है, महामारी टाइप का फैल जाता है, पूरा महामारी पूरा। तो ये तो स्थितियाँ हो जाती है। ये देख लीजिए तस्वीरें, ग्राउंड जीरो की सबसे बड़ी रिपोर्ट झारखंड की, एसी कमरों में रिपोर्ट नहीं बनती, रिपोर्ट बनाने के लिए इस तरीके से पसीना बहाना पड़ता है। और मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसको आज तक किसी ने नहीं दिखाया है। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि किसी भी विधायक में, ईचागढ़ के विधायक में, रांची के सांसद में, देश के प्रधानमंत्री में, झारखंड के मुख्यमंत्री में, इलाके के प्रभारी मंत्री में, किसी में भी दम हो, मैं 10 दिन पहले ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि ये पूरा इलाका डूबेगा। किसी में भी दम हो तो वो आ करके इन लोगों से मिल करके इनकी समस्या का समाधान करें। और हाँ, इस बार कागज मुख्यमंत्री आवास में दे दिया है कि पानी छोड़ा जाएगा और ये किया जाएगा और वो किया जाएगा, ये 9-17 नहीं चलेगा। लोगों ने कमर कस लिया है, विधायक आएंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री आए, चाहे प्रभारी मंत्री आए, चाहे देश के प्रधानमंत्री आए, चाहे सांसद आए, कोई भी आएगा, सबको ये लोग बॉयकॉट करेंगे। ये एक एक तिल तिल जिएंगे तो एक एक वोट के लिए आपको भी तरसा देंगे, ये चीज याद रखिएगा। और जो युवा नेता, खास करके जयराम महतो साहब, आपसे भी निवेदन है, अगर आपका आंदोलन सच्चा है तो आप आए इन लोगों का आवाज उठाने के लिए, क्योंकि इन लोगों की दर्द, इन लोगों की पीड़ा आज तक किसी ने नहीं सुनी। अगर आप इनकी पीड़ा नहीं सुन सकते हैं, इनकी आवाज नहीं उठा सकते हैं, तो फिर नेता बनने का आपको कोई अधिकार नहीं है, फिर आप धनबाद, बलियापुर, सिंदरी तक ही सीमित रहिए। अभी और भी तस्वीरें हैं, आप लाइव 7 TV के साथ बने रहिएगा, हम आपको आगे भी बहुत सबसे बड़ी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहे हैं और सबसे असली ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। जिस जगह पर मैं हूं अभी, आपको यकीन नहीं होगा, तो मैं आपको यकीन करवाने के लिए कुछ दिखाता हूं। देखिए, एक महल दिख रहा होगा आपको, ये महल, यहां पर राजा रहा करते थे। जी हाँ, सिर्फ एक राजधानी रांची नहीं है, जहां हूं ईचागढ़, ये भी राजधानी हुआ करती थी, पातकुम रियासत की राजधानी हुआ करती थी। तो पातकुम रियासत की राजधानी की ये स्थिति है, सोचिए कि सालों साल वो डूब जाया करती, और इस ऐसे 125
115 और गांव है, 115 और गांव है ना, 116 मतलब इसके अलावा 115 और गांव है जो कि डूब जाया करते हैं। आइए तो इन तस्वीरों को देख लीजिए, यहाँ पर राजा रहा करते थे। मैं गुरुचरण भाई है मेरे साथ, यहाँ के स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता है। ये कौन से राजा की का महल है सर? ये राजा प्रभात कुमार आदित्य देव करके नाम थे। अच्छा, और भी उन लोग का खानदान का बहुत से राजा थे। ये राजधानी थी? हाँ, पातकुम राज्य। अच्छा, पातकुम। सोनार पातकुम कहा जाता था, इतना डेवलप्ड था और इतना यहाँ समृद्ध था। ठीक है, आज ये डैम बना के सबको मिट्टी कर दिया गया। यहाँ लाखों आदमी को रोजगार मिलता था इस राज्य में। ठीक है, और चैन से आदमी रहता था। यहाँ बाइक घर के बाहर में रख दीजिए, कोई चोरी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। एक समय था, एक समय था, अभी भी है। ठीक है, अब यहाँ बाइक छोड़ के चल जाइए, कुछ नहीं होता है इस राजधानी में। आज इसको मिट्टी बना दिया गया। लेकिन मेरा सरकार से एक चीज पूछना है कि रिटर्न क्या है? आज 150 करोड़ का डैम बनते 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 45 साल हो गया। ठीक है, कोई भी कंक्रीट का सामान जो बनता है, छत या बिल्डिंग या कुछ भी चीज, उसका लाइफ होता है 80-90 साल। ठीक है, तो 40-50 साल तो चला गया, और ये बनते 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 और 40 साल चला जाएगा। 14,000 करोड़ तो पब्लिक का गया। सही बात है। ठीक है, और 116 गांव का आदमी बर्बाद हो गया। बर्बाद कैसे हो गया? जिसका मतलब सैकड़ों बीघा जमीन था, वो आज मजदूरी कर रहा है। ठीक है, सरकार सिर्फ आप एक आदमी को एक जगह से नहीं आता है, आप उसका पहचान छीन लिए। ठीक है, आज वो कहीं दूसरा जगह बसा हुआ है तो उसका जाति आवासीय नहीं बन रहा है। सही बात है। ठीक है, आप वहाँ जाके बोल दिए कि अमुक पुनर्वास स्थल में तुम रहो, वो वहाँ करेगा क्या? सही बात है। आप सबसे पहले तो वादा किया था कि हर परिवार में एक आदमी को नौकरी देंगे, 10% आदमी को दिया। अच्छा, मात्र 10% आदमी को, तो बाकी आदमी को क्यों नहीं दिया? अच्छा, और अगर ये प्रोविजन में नहीं था तो बाकी को भी नहीं देता। अच्छा, उसके बदले में आप किसी को बोल रहे हैं स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया लीजिए, एक सरकारी नौकरी के बराबर क्या 2 लाख रुपया होता है? तो 2 लाख रुपये में कोई रोजगार शुरू ही नहीं है। पुनर्वास स्थल में जाता है, मान लीजिए। मतलब आप बेसिकली कह रहे हैं कि तुम जाके सब्जी बेचो, 2 लाख रुपये में यही हो सकता, फल बेचो सब्जी बेचो, और तो कुछ हो नहीं सकता। नहीं, तो वो पैसा भी वहाँ जाके उसका मान लीजिए कुछ काम कर रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है तो खा के खत्म हो गया। आप देखे ना, लेडीज आगे में है, वो लोग का घर टूट गया, आज अगले साल जब डूब गया था उस टाइम से वो लोग वहाँ रहता है। अच्छा, उन लोग का कोई मतलब लाइफ नहीं है, वो भारत का नागरिक है, यहाँ वो यहाँ वोट दे सकता है। ठीक है, लेकिन उसका कोई सिस्टम नहीं है कि इसका लाइफ जो चला गया आज डैम से, इसको देखने वाला कोई नहीं। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, मतलब मैं तो सुन करके आश्चर्यचकित हूँ। मेरे से कोई पूछेगा चांडिल डैम का इस्तेमाल क्या है, आप तो यहाँ रहते हैं, क्या इस्तेमाल दिख रहा है? चांडिल डैम का सिर्फ सेल्फी खींचने के काम आता है, और कोई काम? और अफसर लोग आता है अपना परिवार को वोटिंग कराने के लिए, और कोई काम? और क्या काम? बिजली तो देता नहीं है, बिजली भी नहीं पैदा होता है, खेती के लिए पानी नहीं। बहुत देशीय परियोजना है, सोचिए ना, 150 करोड़ का स्टार्टिंग प्रोजेक्ट था, वो रिवाइज होते 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 14,000 करोड़। और एक आपको पते की बात बता रहा हूँ, अब जितना ये सोनर का प्रोजेक्ट का ऑफिस में जाइए, सब बाहरी लोगों का कब्जा है, झारखंड का कोई बड़ा पोस्ट में है ही नहीं। ठीक है, वो लोग खुलेआम मतलब टेंडर करता है नहर बनाने का, नहर बन गया, धस गया 6 महीना में, फिर टेंडर हो गया रिपेयरिंग के लिए, फिर धस गया, इस टाइप से चलते रहता है। ठीक है, आप पुनर्वास स्थल में आप किसी को बसा रहे हैं किसी को, ठीक है, तो वहाँ एक व्यवस्था होता है ना, मूलभूत सुविधा कि स्कूल बनाना चाहिए, अस्पताल बनाना चाहिए, एक भवन बना दिया, वहाँ टीचर कौन देगा? सही बात है। वहाँ अस्पताल बना दिया, मान लीजिए एक छोटा सा रूम बना दिया, वहाँ डॉक्टर कौन देगा, नर्स कौन देगा, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अच्छा, सरकार बोलता था कि इन लोग को कुछ काम सिखाएंगे, आज बता दे सरकार क्या को कौन सा काम सिखाया है स्किल डेवलपमेंट में, स्वरोजगार करेगा 2 लाख रुपया में क्या? वो 1 लाख रुपया तब को कहीं रूम लीजिएगा तो 2 लाख रुपया पगड़ी लग जाता है रेंट में। मतलब बर्बादी का दास्तान ये है कि जमीन तो गया, दोस्त यार सब गया, खानदान सब बिखर गया, कोई कहीं जाके घर बना लिया, कोई कहीं जाके घर बना लिया, कोई मजदूरी कर रहा है। ठीक है, हम लोग जहाँ बचपन में खेले पले उस जगह छीन लिया, हम लोग को उसके बदले में क्या मिला? ये तो हम लोग कुर्बानी दिए ना कि आप 116 गांव के बदले में आप 1000 गांव का डेवलप करना चाहते थे, पानी देना चाहते थे, कहाँ है? अच्छा, मेरे को एक जानकारी मिली, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मुझे कुछ मतलब पता चली अभी। मैं यहाँ पहुँचा, अभी मैंने रिपोर्टिंग शुरू की और मेरे पास स्वर्ण रेखा से कुछ लोगों को फोन आ गया कि भाई आप वहाँ पर गए हुए क्यों कर रहे हैं सब, मतलब दलाल जो कल्चर है वो बड़ा मजबूत है यहाँ। दलाली के बारे में बता दें, हाँ। सरकार मुआवजा देता है ना, चलते चलते, सरकार मुआवजा ना एकदम 100%
जो भी उसको मिलता है, ठीक है, मान लीजिए उसको 6 लाख रुपया मुआवजा मिल रहा है, 3 लाख रुपया वो लोग खाएगा तब आपको मिलेगा। दलाल अफसर हर टेबल में पैसा चाहिए तब इसको पैसा मिलेगा, जबकि नियम था कि कैंप लगा के मुआवजा बांटना था। हाँ। कैंप का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पर, आपको जाना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, आप अप्लाई किए आपका दबा रह गया, बिना पैसा दिए आपका कोई मुआवजा नहीं मिलता है। 6 लाख में आधा वो लोग लेता ही है, उसमें लोकल दलाल है, अफसर लोग है, जो रिपोर्ट बनाता है वो लोग है, सब मिलके यहाँ पोस्टिंग लेने के लिए पुनर्वास पदाधिकारी है, इन लोग को पैसा देके आता है, मोटा पैसा देके आता है। इतना खुलेआम लूट है, इसके बारे में कितना न्यूज में आता है, कोई सुनवाई नहीं है। सुनील एक बार आइए मेरे पास, तमाम चीजों को जो आप सुन रहे हैं, बड़ा गर्मी है, थोड़ा पूछेंगे हम भी, बहुत गर्मी है, कह रहे हैं हम, लीजिए लगाइए, कह रहे हैं कि इतनी सारी चीजें ये बता रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि ये इलाका बिना माए बाप का इलाका, जिसको कहते हैं ना बिना माए बाप वाला इलाका। देखिए ये बात एकदम सही पकड़े हैं, और सबसे बड़ी बात मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ईचागढ़ क्षेत्र नहीं, करीब करीब इस तरह के जितने भी क्षेत्र हैं, या फिर इस बार क्या हुआ है ना कि जो किसी MP के बहुत बड़े रिश्तेदार हैं, जो किसी सांसद के बहुत बड़े रिश्तेदार हैं, जो किसी मंत्री के बहुत बड़े रिश्तेदार हैं, उस तरह के पदाधिकारियों को चुन चुन कर वैसे जगह भेजा गया है जहां से बखूबी लोग पूरा खुलेआम लूट मचा सके, खुलेआम लेन देन कर सके, कोई उनको बोलने वाला है नहीं, पत्रकार बोलेंगे तो पीटे जाएंगे, वो अलग बात है कि हम लोग बना रहे हैं लेकिन कल क्या होगा हम लोग को नहीं पता है, लेकिन पत्रकार पीटे जाएंगे, अगर कोई नेता ऐसे कि वो अभी कर रहे हैं उन पर भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, हो सकता है कि हम लोग के ऊपर कोई दूसरा धारा लगा दिया जाए, कुछ भी कर रहेगा, इस तरह का षड्यंत्र रच दिया जा सकता है, लेकिन ये बात उतनी ही सच है कि जो यहाँ के पदधारी लोग हैं, बड़े बड़े सरकार में बैठे हुए हैं, जो MP हैं, MLA हैं, मंत्री हैं, उन्हीं के सगे संबंधी यहाँ पे CEO, BDO, SDO, इस तरह के तमाम लोग यहाँ बने हुए हैं, जिनका बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं, और उनको पूरा बढ़िया से छत्रछाया मिला हुआ है बड़े लोगों का। तो ऐसे मैं एक बार तस्वीर दिखाता हूँ, देखिए इधर तस्वीर दिखाइए, देखिए एक छोटा सा बाजार, मतलब दो चार दुकानें हैं यहाँ पे, देखिए जैसे ये आपका बर्तन बासन जिसको कहते हैं डिब्बा ढक्कन, उसका एक छोटा सा दुकान है यहाँ पर, आगे में बिजली का दुकान है, कपड़ा का दुकान है, पीछे में दर्जी का दुकान है, ठीक है। अभी इस इलाके में मुझे एकमात्र यही घर दिखा है, इसको तो घर को दिखाइए जो थोड़ा ठीक हालत में है, दुकान है, आप ही का ये वो नया घर हमको दिख रहा है, सब धंस गया था, तो अभी फिर कुछ दिन बाद तो फिर पानी आई, दुकान आपका है सामने वाला बड़ा भाई का, अच्छा तो ये तो कुछ दिन बाद फिर पानी में पूरा डूब जाएगा, आपका घर डूब जाएगा, तो क्या करिएगा, क्या करेंगे, जैसे अपना बचेंगे, अपना मतलब सामान को जितना सकेंगे बचाएंगे, और कैसे मतलब कैसे जाते हैं, तैयारी तो कर ली होंगे, नहीं किया था, कैसे करेंगे तैयारी, कहीं तो कुछ है नहीं, कैसे तैयारी करेंगे, तो आप लोग रात में सोते होंगे, सुबह उठते होंगे देखते होंगे पूरा पानी भर जाता है, नहीं नहीं ऐसे जैसे कुछ अगल बगल का गाँव सामान ले जाते हैं, अच्छा या थोड़ा बहुत हम लोग का भूकू जला के भूकू बजा के कहता है कि पानी घुसने वाला है, वो सब कुछ नहीं होता है, 16-17 में डूबा फर्स्ट बार, ठीक है, उसके बाद अगला साल डूबा, उसका अगला साल डूबा, एक बार कोरोना में डूबा, लेकिन एक बार ना कुछ भूकू कुछ नहीं बजा, आप लोगों को कैसे पता चलता है कि पानी तो अंदर सुकल आता है, पानी डमर न जाएगा, साथ में सतर्क थोड़े रहते हैं, आता है यहाँ पर पानी आ जाएंगे तो नहीं दिखाई देगा, पानी आ जाता है, क्या करते हैं काम धंधा, ये दुकान है मेरे, दुकान की दुकान है, दिन दुकान बंद रहेगा तो काम धंधा चौपट पूरा चौपट, खाना पीना कहाँ चलेगा, बचा हुआ जब कुछ पूंजीपति रहता है कुछ वीक हो जाता है, बड़ा दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत, देखिए तो ये देखिए स्थितियाँ यहाँ पर यही है कि मतलब कुछ दिन में पानी घुस जाएगा सब चौपट, आपका भी दुकान कुछ दिन में पानी घुस गया तो बंद लगता, खाना उना खा के अभी उठ रहे हैं ना, है क्या चाचा, अच्छा हम दिखाते हैं, तो ये दुकान आपका फिर बंद हो जाएगा, तो फिर खाना पीना, खाना पीना होटल में खाते हैं, घर में खाते हैं, बोलामतर जमीन अच्छा उधर चल जाते हैं ना बोलामतर, तो बाल बच्चा सब आपका वहीं पर सब वहीं है, सब लोग जो है कहाँ तक, ये चचा बता रहे थे कि कहाँ तक पानी का लेवल पहुँच जाता है, कहाँ तक पहुँच जाता है, ये पूरा यहाँ तक पहुँच जाता है ना, हाँ वहाँ तक पानी चला जाता है, उधर आंगन है, आंगन से इधर जो पानी बह रहा है ना जुड़िया मान के, हाँ जुड़िया मान के चौका में मिलेगा, जुड़िया 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 बह रहा है जैसे, तो उसी से आना जाना करते हैं, दो रूम में देखिए आंगन से दो रूम, आपको रोड में पानी निकलता है उधर से, जैसे जुड़िया बह रहा है, वोट देते हैं
वोट देते हैं। तो वोट देते हैं तो आप अपना विधायक से जिसको वोट देते लोग बोले नहीं, कहीं नहीं देता है बोलने के लिए, कहाँ आता है, काला शीशा में पर होता है। बेटो आदमी के टाइम बोले, इसमें हम लोग वर्तमान विधायक है, उसका बेटी आके कपड़ा दुकान में आकर बैठा था की मेरा बाबूजी का अधूरा काम मेरा माँ करेगा, मेरा आंचल में आप, मेरा माँ का आंचल में आप मेरा बॉय आप लोग का वोट डाल दीजिए, इस टाइप का बोला है, वोट डाल दीजिए। आप लोग भावना में आके डाल दिए? बस भावना में आके डाल दिया। इसका पहले वाला जो विधायक था वो भी अच्छा नहीं था, इसके लिए चलो भाई चेंज करो इस बार, तो चेंज किए तो उससे ज्यादा ही हो गया। उस दिन से बंद बयान आया था विधायक का, ठीक है, हमको तो लगता है वो बोका है, नहीं तो हम लोग को बोका बना रहा है। कैसे बोका बना रहा है? उस दिन बोल रहा था कि हम विभाग वाला बोल रहा है कि हमको इतना पानी का पकड़ने का आदेश है, ठीक है, विभाग से बोल रहा है। वो बोल रहा है कि नहीं हम सरकार से बात करेंगे, हम सरन जी के बात करेंगे, इतना पानी नहीं धरने में। तो अभी आषाढ़ महीना में जब वर्षा घुस गया उस टाइम वो बात करेगा, उतना दिन क्या कर रहा था वो? अरे विभाग से सरकार से बड़ा है विभाग, यही बात है, सरकार बड़ा है कि विभाग बड़ा है? 5 साल का सरकार है, लेकिन जो भी 5 साल का सरकार, लेकिन विभाग से तो बड़ा है ना। सरकार सरकार का आदेश से विभाग चलता है कि विभाग का आदेश सरकार का आदेश से विभाग चलता है? सरकार का आदेश से विभाग चलता है, तो बोका बना रहे कि नहीं? तो देख लीजिए बहुत आसान सा इन्होंने सवाल है, छापेंगे नहीं, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। देखिए बहुत अच्छा इन्होंने सवाल पूछा है कि बोका या तो वो है या फिर हम लोग हैं। भाई सरकार से यहाँ का जो स्वर्णरेखा परियोजना का जो अधिकारी लोग हैं वो बड़े हैं या फिर सरकार के वो लोग सुन नहीं रहे हैं? अभी के महीने में आप जाइएगा कि पानी छोड़ देना, ये कर देना, वो कर देना, इसका मतलब इन लोगों को बेवकूफ समझता है। सही सवाल किया हो तो एकदम 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 सही 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 सवाल ना, सही सवाल। भाई बेवकूफ समझता है हम लोग को? जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक छोटा सा तस्वीर, देखिए यहाँ पर ये दुकान लगा हुआ है, ये देखिए, लेकिन कुछ दिन बाद यहाँ पर ये दुकान नहीं रहेगा, ये दुकान कुछ दिन बाद नहीं रहेगा, 10 दिन 15 दिन में यहाँ पूरा पानी हो जाएगा, पानी घुस जाता है ना पूरा में। आप लोग यहीं रहते हैं तो यहाँ तो दुकान बंद हो जाएगा कुछ दिन में, फिर कहाँ जाइएगा आप लोग? 10-15 दिन में पानी घुस जाएगा तो कहीं और भी घर है आप लोग का? पुरंडी में, तो वहीं चल जाइएगा। हाँ तो हम वही रहते हैं, तो पुरंडी ग्राम में वही रहते हैं, तो यहाँ पानी घुस जाएगा तो फिर यहाँ के लोग कहाँ जाएगी? दुकान दौरी सब वो तो इन लोग कहाँ का घर लिया है उनको पता है, हम लोग कस्टमर सब है। अच्छा आप लोग कस्टमर है, दुकान के मालिक आप हैं? कौन है? अच्छा वो चलिए चलिए देख लीजिए, अचानक से पानी घुसता होगा तो माल भी बर्बाद हो जाता होगा, जहाँ तक है ना पूरा माल बर्बाद हो जाता। देख लीजिए सामने भी दुकान है, इधर भी दुकान है, हर तरफ दुकान है, लेकिन पानी अचानक से घुसता है तो ये तमाम चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। जो तस्वीरें हैं वो सामने हैं। बहुत सिंपल सा सवाल पूछा एक आदमी ने, बहुत भोले से आदमी ने, कि भाई सरकार विधायक या तो खुद बेवकूफ़ हैं, हमें बेवकूफ़ समझते हैं, बोका समझते हैं, कि अभी के महीने में जब पानी छोड़ने की तैयारी, पानी दाबने की तैयारी होगी, बरसात का मौसम आ गया, तब सरकार को जाके ज्ञापन देंगे कि देखो हमने तो कर दिया है, यानी कि उनके इंटेंशन में गड़बड़ी है। सरकार इसका मतलब चाहती नहीं इस गांव को डूबने से बचाना, अगर चाहती है तो इस गांव को डूबने से बचाएं। बहुत सारे सवाल हैं, इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़ जा रहा हूं, और यहीं खबर नहीं खत्म होगी। अभी हम चंडील डैम भी जाएंगे जहां पर धरना चल रहा है, उन लोगों से भी हम बातचीत चलेंगे कि भाई उनकी डिमांड क्या है, उनको भी समझने की आज हम कोशिश करेंगे। तो अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के आखिरी अध्याय पर हम पहुंच चुके हैं। आखिरी अध्याय कहाँ है? मैं चांडिल डैम के पास पहुंच चुका हूँ। स्वर्ण रेखा बहुउद्देश्य परियोजना का ये पुराना कार्यालय है, यहाँ पर एक धरना चल रहा है, देखिए मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। जय झारखंड, अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच, 84 मौजा 116 गांव, अंतिम लड़ाई आर पार की लड़ाई, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, 16/6/2023 शुक्रवार से, स्थान पुनर्वास कार्यालय चांडिल डैम, जागो विस्थापित, जागो अपने हक अधिकार को जानो। 3 बीमार लोगों की फोटो है और नीचे निवेदक अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच। अब इसको थोड़ा डिटेल से मैं आपको समझाता हूँ, उसको समझने से पहले ये एक वीरान सा भवन है, ये देख लीजिए ये एक वीरान सा भवन है, कुछ चीजें धुंधली धुंधली सी दिख रही है, बहुत ध्यान लगाइएगा तो दिखेगा। 1400 सूचीबद्ध आवेदकों को बहाल करना होगा, हमारे हैं क्या कुछ लिखा हुआ, हमारे हैं नहीं किसी के
बाप के हैं, ये कुछ इस तरीके के स्लोगन यहाँ पर लिखे हुए हैं पूरे भवन में। अब मैं आपको दिखाता हूँ धरना कहाँ है, चूंकि आज रथ यात्रा भी है, छुट्टी का दिन हमने चुना, तो बहुत सारे लोग आज रथ यात्रा देखने को भी गए हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से समझेंगे इस धरने के बारे में क्या लगता है, कुछ बदलाव होगा, चूंकि धरना विस्थापितों को लेकर पहले भी हुआ है, कई बार हुआ है, होता ही रहता है, तो इस बार क्या अलग है, कुछ डिफरेंट है या वही सारी चीजें चलेंगी, इन्हीं सब चीजों को लेकर के मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी मेरा नाम है राकेश रंजन महतो। राकेश रंजन महतो साहब कब से धरने पर हैं? आज पांचवा दिन है सर। क्या मामला, क्या का मांग, क्या क्या है? हमारा मांग है, हम लोग 10 सूत्री मांग को लेकर बैठे हैं कि आज से पहले भी ऐसा नहीं कि चांडिल डैम के 40 साल के इतिहास में पहली बार धरना या अनशन हो रहा है, आज से लगभग 7-8 महीना पहले भी हम सारे लोग अनशन पे बैठे थे, लेकिन साजिश कहें या दुर्घटना कहें, आज भी एक परत जमा हुआ है कि जिसमें ट्रैक्टर के द्वारा हम सारे लोगों को कुचल के उस अनशन को खत्म कर दिया गया। ट्रैक्टर कुचल दिया गया जिसमें मेरा शरीर पूरा डैमेज हो गया था, 1% मेरा बचने का चांस था, जो कि मैं वो फोटो में जो आप देख पा रहे हैं, मैं बीच वाला हूँ। अच्छा ये दिखाइए, ये मैं बीच वाला हूँ, ये बीच वाला हूँ। अच्छा। जिसमें वहाँ पर मैं तो बेहोशी था। ये छड़ी आपकी है? जी मैं इसके सहारे पे ही चल रहा हूँ। अच्छा। तो वहाँ पर जैसे प्रशासन भी बोले कि आपके सारे मुआवजा हॉस्पिटल का जितना भी खर्च होगा वो सारा चीज गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, लेकिन हुआ कि मेरा 4,85,000 के आसपास बिल हुआ, अभी भी मैं लगातार दिखाना पड़ता हर एक महीना, तो जहाँ सरकार के माध्यम से मुझे 1,16,000 रुपया सिर्फ दिया गया, आज ये इतना दिक्कत, मैं पर्सनल अगर मेरा बोलूं तो इतना दिक्कत है कि आज पैसे के अभाव के कारण मैं नियमित रूप से जो अपना जांच होता है हर एक महीना रूटीन जांच, वो भी मैं नहीं करा पा रहा हूं। तो ये सिर्फ मेरे एकल के लिए नहीं है, क्योंकि हमें जानकारी प्राप्त हुआ था मीडिया के माध्यम से ही कि इस वर्ष जो आज तक 40 वर्ष के इतिहास में जो पानी जितना भंडारण नहीं होगा, हम सारे लोगों को पता चला था कि 185 RL पानी रखा जाएगा, तो इस वजह से हम सारे लोग गांव-गांव में जाकर जनजागरण चलाकर हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं कि अगर 185 जल स्तर रखा जाता है तो 43 गांव नहीं, लगभग 50-55 गांव जलमग्न हो जाएगा, 50-55 गांव जलमग्न हो डूब जाएगा। और जो सुनने में आ रहा है, पर इस बार जो जल बढ़ाया जाएगा उसको घटाया नहीं जाएगा, यानी इसको मेंटेन किया, डूबा ही रहेगा। हमारा सवाल है, ठीक है आपने अधिग्रहित किया है, हमारा मांग है आप जब अधिग्रहित किए तो जमीन का मुआवजा भी, हमारा बहुत गांव का भी बाकी है जमीन का मुआवजा, हमारा पैकेज तो मिला ही नहीं। दूसरा, जब बनाया गया था डैम तो लगभग हर परिवार को कहा गया था कि आपको विकास पुस्तिका दिया जाएगा, जो कि आपके एक पहचान पत्र होगा, हर सुविधा इसी विकास पुस्तिका के माध्यम से ही मिलेगा, लेकिन दुख की बात है कि हर परिवार को विकास पुस्तिका नहीं मिला। आज भी जो वाकई में वास्तविक विस्थापित है आज दर दर भटकना पड़ता है, सुना सुनाई बात, कई सारे लोग हमारे पास इस मामले को लेकर भी आ रहे हैं कि आज जिनके पास पैसा है उनका विकास पुस्तिका बन जाता है, चाहे उसका 6 साल है वो 61 साल बन जाता है कागज कलम में, और एक नियम बनाया गया कि आधा आधी पैसा अगर आप देते हैं यहाँ पर पदाधिकारी लोगों को तो आपका कार्ड भी बनेगा, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको मुआवजा भी। मैं इचागढ़ गाँव गया था। आपका कौन सा गाँव हुआ? मेरा रसुनिया है, रसुनिया गांव। एक मिनट में ऊपर चढ़ के भाई बैठता हूँ। देखिए ये पूरा धरना के लिए बनाया गया है जिसमें आराम से आप बैठ सकते हैं। आप लोग सोते होते भी सब यहीं पे हैं? जी सोते यहीं पर सब यहीं। खाना पीना यहीं पर। खाना हम लोग गांव में एक एक सिरा चावल हम लोग इकट्ठा किए थे, आलू उठाए थे, बहुत सारे लोगों का सरसों जो कि उगाया गया तो लोग तेल भी दे रहे हैं। अभी 2 दिन से थोड़ा हम लोग का दिक्कत हो रहा है क्योंकि चावल तो है अपने पास, लेकिन आलू प्याज दाल ये हम लोग का खत्म हो गया, जिस वजह से थोड़ा कल से हम लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा खाने में। कितने लोग यहाँ पर धरने पर बैठते हैं अमूमन लोग? आज तो चूंकि रथ यात्रा है लोग नहीं, कितने लोग हैं? 15-20 आदमी रेगुलर रहते हैं। खाना पीना सब। लेकिन दिन में हम लोग रोस्टर बनाए चूंकि गर्मी बहुत था, स्टार्ट दिन में हम लोग लगभग 200-250 लोग बैठे थे, लेकिन ऐसा हुआ कि कई सारे लोगों का तबीयत खराब होना शुरू हुआ, दस्त होना शुरू हुआ, उल्टी होना, इस वजह से आप देख सकते हैं सलाइन भी चढ़ाया गया कई लोगों को, आप भी दिखाएंगे। तो इस वजह से हम लोग निर्णय लिए, जितने भी लोग थे 116 गांव में हम लोग 232 प्रतिनिधि मंडल बनाए हैं, 5-5 महिला और 5-5 पुरुष। तो इन प्रतिनिधि मंडलों के बीच में ये वार्ता किया गया कि इस तरह से हम लोग हर दिन नहीं आ सकते, संभव संभव भी नहीं है,
इस वजह से एक रोस्टर बनाया गया कि 116 गांव को 7 दिन में डिवाइड किया गया, अलग अलग दिन में अलग अलग गांव का एक रूटीन बनाया गया और उस गांव के लोग उस दिन पहुंचते हैं। तो हर गांव का सपोर्ट मिल रहा है? अभी लगभग 40 गांव का सपोर्ट मिला है, बाकी लोगों का अभी तक पहुंचा ही नहीं, वो दिन पहुंचा। आज का रोस्टर कौन सा? आज का रोस्टर में नहीं थे क्योंकि रथ यात्रा की वजह से आज का रोस्टर जारी नहीं किया गया था और पेपर के माध्यम से सूचना हम लोग जारी किए थे कि आज ना आए, कल से सभी लोग आए। आज आप लोग का खाना पीना कैसे हुआ? आज हम लोग बनाए थे खाना, आज माड़ भात और आलू यहीं पर बनाए, आलू सीजा माड़ भात हम लोग बनाए थे। मैं पहले दिखा देता हूँ क्या व्यवस्था, फिर आप लोग यहीं रुकिए, मैं बात भी करूंगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ धरना यहाँ चल कैसा रहा है। ये तमाम तस्वीरें है ना, इसी में खाना बनता है, इधर ही खाना वाना बनता है ना, ये सब खाना बनाने तो चूल्हा। अच्छा वो चूल्हा देखिए, ये चूल्हा, अरे ये सलाइन भी है ना, ये लगता है कोई बहुत ज्यादा बीमार हुआ है। दो दो सलाइन है, एक सलाइन इधर है, इधर है, ये देखिए ये दूसरा सलाइन है, बाकायदा ये दूसरा सलाइन है ना, ये तमाम सलाइन है इधर, ये देखिए दो सलाइन इधर भी फेंका हुआ है, संभाल के आइएगा। ये देखिए ये दो सलाइन की बोतलें यहाँ पर फेंकी हुई हैं, बाकी चूल्हा है तमाम यहाँ पर। वो पानी का टैंकर है उधर दिखाइए, पानी का टैंकर पानी की समस्या, वो जनरेटर एक वहाँ बहुत दूर रखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता नहीं वो कोई काम का है। क्या उम्र है आपकी? मेरा उम्र 30 साल। 30 साल मतलब युवा है, युवा है ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप तो सुखदेव महतो, सुखदेव महतो ना, कौन कौन नेता अब तक आए आप लोगों से मिलने के लिए? नेता जैसे आजसू केंद्रीय सचिव में जो है हरिलाल महतो आए थे, और पूर्व सांसद सुबोध कुमार साहब जी आए, सारथी महतो आए। अच्छा एक बात बताइए, अभी दो दिन पहले, चूंकि आप महतो हैं, दो दिन पहले धनबाद के बलियापुर जयराम महतो ने एक महाधिवेशन किया, जानकारी है? बहुत बड़ा महाधिवेशन, जयराम महतो कहते हैं कि भाई अभी महतो का सबसे बड़ा नेता मैं हूँ, मतलब ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, वो कहते नहीं है, ऐसा माना जाता है। ये जो 116 गांव है इसमें सबसे बड़ी जनसंख्या महतो लोगों की है, ठीक है, कुर्मी जो होता है, महतो भी है उसमें साथ साथ आदिवासी लोग। अब मैं कह रहा हूँ तो जो लोग महतो के नेता बनते हैं, जो लोग आदिवासी के नेता बनते हैं, वो तमाम लोग इन 116 गांव पर चुप क्यों हो जाते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए मेरा जहाँ तक की मानना है, जहाँ तक हमको जानकारी है कि इस जो चांदिल डैम जो विस्थापित है, खाली आज तक 40 साल खाली नेतागिरी हुआ है, बाकी यहाँ पे धरातल में कुछ काम हुआ नहीं। कुछ भी होता है, कुछ भी जब भी इलेक्शन पहुँचता है उस समय सारा नेता सबको आता है, उसके बाद आने के बाद जो भी बोल देता है कि आश्वासन दे दिया, इलेक्शन खत्म हो गया, उन लोग भी चुप हो गया। धरने में बैठने में बड़ा दिक्कत तो आ रही होगी? दिक्कत आता है, लेकिन इससे बड़ा दिक्कत है हम लोग का विस्थापित का समस्या। कुछ दिन बाद तो आपका गांव भी डूब जाएगा, डूबेगा तो 10 दिन के अंदर में पानी छूटेगा और फिर सब डूब जाएगा। तो क्या लगता है, मतलब इस बार भी वही सामान लेकर के दूसरे जगह भागना पड़ेगा? आज तक तो यही हुआ है 40 साल से, जितना नेता हम लोग को आश्वासन देते हैं इसलिए वोट लेने के लिए देते हैं, हम लोग का विस्थापित का कुछ काम नहीं होता है। चांडिल डैम जो बहुउद्देशीय है, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारा बेनिफिट है, कोई बेनिफिट आप लोगों को नजर आया चंडी डैम सुनने का बहुउद्देशीय परियोजना? नहीं सर, बहुउद्देशीय तो रखा गया सिर्फ, लेकिन अभी तक एक भी बेनिफिट, मैं तो पूरे दावे के साथ कहता हूँ, जब आए थे सुबोध कंसोय हरेलाल जी, मैं उंगली खड़ा करके बोला था कि सर किसी भी स्तर के पदाधिकारी को या किसी भी नेता को, चाहे केंद्रीय या हमारे झारखंड के, आप मुझे मेरे सामने बैठा दीजिए और सिर्फ इतना बता दीजिए कि जल स्तर बढ़ाने का एक फायदा गिना दीजिए मुझे, एक फायदा। मैं वादा करता हूँ कि पूरा 116 गांव को मैं अकेले खाली करा दूंगा। कि लकड़ी के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। मुझे शिकायत नेताओं से नहीं है, उनकी तो फितरत वही है, मुझे शिकायत स्थानीय लोगों से है, जो यहाँ रहते हुए भी चुनाव के समय देखिएगा तो महतो बोलेगा ना मैं महतो को वोट दूंगा,
सोरेन बोलेगा ना मैं सोरेन को वोट दूंगा, किसको बोलेगा ना मैं किसको को वोट दूंगा, और बाकी लोग जो है वो कहेंगे ना मैं उनको जनरल को वोट दूंगा, साहू बोलेगा मैं साहू को वोट दूंगा, इस चक्कर में हो जाता है बाबा जी का ठुल्लू। हाँ, राकेश भाई कुछ कहें जी। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो हमारी लड़ाई है जो हम सारे लोग बैठे हैं सब चरणबद्ध तरीके से किए हैं आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि मैं एक बहुत बड़ा फैन हूँ उस चैनल का, क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दा पे काम करती है और जहाँ कोई नहीं पहुँचता है, लोकल की बात करूँ ये वहाँ पहुँच के हकीकत लोगों को बताती है। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा हम लोग इसको चरणबद्ध तरीके से लड़ने का एक प्लान बनाया। जैसे पहला चरण हमारा शांतिपूर्वक है, 16 तारीख से लेकर 25 तारीख तक हम लोग शांतिपूर्वक धरना पे बैठे, कोई हो हल्ला नहीं, कोई माइक नहीं, कोई साउंड नहीं, कोई भीड़ भी नहीं, जो इच्छा पूर्वक आए बैठे रोस्टर हिसाब से करे। इस बीच छोटी सी एक मांग है हमारा हमारे विभाग से कि छोटी छोटी जो हमारे समस्याएं हैं विकास पुष्टि में नाम गलत होना या फिर किसी का छूट गया है या माँ बाप मर गया है जिनको उनके नाम पर चढ़ाया जाए, वो सब कैंप लगा कर करने के लिए हम सारे लोग उनको एप्लीकेशन दिए। नहीं होने की स्थिति में हम लोग 26 तारीख को रखे हैं गेट जाम, जिसमें हमारे 116 गांव से लोग उठ कर आएंगे, हम लोग गेट जाम करेंगे। इनकी सहयोग की तो जरूरत है, तमाम चीजों को देखने के बाद एक ही बात समझ में आती है कि अधिकारी तो थेथर है, सुनेंगे नहीं, राजनेता रोटी सेकेंगे चुनावी वोट बैंक की बात है, आखिरी फैसला यहाँ के लोगों को करना है, एकजुट रहना है। अब यहाँ पर ये 116 गांव को विस्थापित सिर्फ विस्थापित होंगे, मतलब इसमें ना कोई रब्बानी होगा, ना कोई महतो होगा, ना कोई भारती होगा, ना कोई गुप्ता होगा, तभी ये लड़ाई जीती जाती है। बिल्कुल, आपने ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी और इनकी बातें भी सुनी। अगर ये आंदोलन जिस तरह से इन लोग धरना कर रहे हैं, अगर सब एकजुट होकर इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाएं, तो हमको जरूर लगता है कि विस्थापितों को जो समस्या है, जिन जो इनकी मांग है, क्योंकि मैं एक रिपोर्टर बाद में पहले मैं भी विस्थापित हूँ, अगर ये लड़ाई अगर सब एकजुट, अगर कास्ट जीएम को हटाएं, पार्टीगत जो मामला आता है आस्टू जेएमएम जो भी पार्टियां हैं, अगर वो दरकिनार करके अगर इस आंदोलन को अगर मुकाम तक पहुंचा, तो जरूर हमको लगता है कि ये 2024 इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और लाइव सेवन परिवार हमेशा आंदोलन के साथ है, इससे पहले भी हमने दुधारू गाय चलाया था, तो मैं कह सकता हूं कि अगर सारे राजनेता और जो समाज के लोग होते जातिगत जो मामले हैं, अगर वो उठ के अगर आए इस आंदोलन को सपोर्ट करें, तो हमें लगता है कि जरूर मुकाम मिलेगा और विस्थापितों के साथ न्याय जरूर होगा। 116 गांव की जनसंख्या मतलब समझ लीजिए कि ईचागढ़ विधानसभा के आधे वोटर विस्थापित है। इसके बावजूद विस्थापन पिछले कितने सालों से यहाँ का मुद्दा है और कोई नेता सोचता है जानता है, वो नेता जानते हैं लास्ट मोमेंट में मुर्गा दारू मातो सोरेन करके इन लोग आपस में लड़वा देंगे, आदिवासी कुर्मी करके लड़वा देंगे और हम वोट दें तो हम लोग जीत लेंगे, इनको पता है, ये तमाम चीजें पता है। तो इस बार की लड़ाई जैसा कि इन लोगों की बातों से लगा कि आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, राकेश भाई ने जो बात बोली है चरणबद्ध लड़ाई होगी और इस चरणबद्ध लड़ाई को लड़ने के लिए एकजुट रहना बहुत जरूरी है। देखिए भारती जी, एक बात हम आपको बता दें कि देखिए ये अभी से नहीं, तमाम तरह के चैनलों में अपने काम किए और इस तरह के मुद्दे बहुत सारे देखे, लेकिन 116 गांव का ये जो मुद्दा है, समझिए कि झारखंड का एक तीसरा हिस्सा ये हिस्सा है। इस हिस्से में सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने अभी गांव विजिट किया और एकदम जमीनी हकीकत से रूबरू हुए हम लोग कि उस गांव की समस्या क्या है। उस गांव की सबसे बड़ी समस्या है किसी में ना तो एकाग्रता दिखी, हमने उस गांव में सभी हमारा टीम भी गया था, एक सड़क बन रही थी, आप देखे होंगे आप, हालांकि हम लोगों ने उस पर एक विरोध भी किया कि भैया सड़क बनने से पहले ही टूट रही, आज बनी हो सड़क आज ही टूट रही है, सड़क में थोड़ी सी मजबूतीकरण होनी चाहिए। लेकिन कुछ ग्रामीण सपोर्ट में आए और कुछ ग्रामीण जो उस ग्रामीण को जो जो सड़क बनाने वाला ठेकेदार महाशय हैं, अपने मुर्गा दारू खिला करके अपने तरफ कर लिए हैं और वो बोल रहा नहीं नहीं जो बन रहा सो ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो एकाग्रता है, ये जो एकता है, ये जो एकमत है, इनका जीत, इनका ही जीत नहीं पूरे देश में अगर जन मन एक साथ होगा, जातिवाद की जो विशेषता है उसको पहले नहीं लाई जाएगी, सबका साथ और सबका विकास वाली जो परंपरा है, बोला तो गया है लेकिन हो नहीं रहा है, अगर ये चीज हमारी जनता समझ लेती है कि भैया जातिवाद में नहीं कुछ रखा हुआ, ये नेता लोग का एक अलग ढंग का पॉलिसी है, इस पर रखे काम करोगे तो मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, तुम भुगते रह जाओगे, मीडिया चिल्लाती रह जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम एक नहीं होते होंगे। जमीनी हकीकत हमने आपको दिखाई तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखाया, गलती जनता की है इसी कारण से जनता भुगत रही है, जनता आपस में टूट जाती है और यही कारण है कि देखिए कुछ लोग मुट्ठी भर बेचारे के लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। सबसे गजब बात यह है कि 116 गांवों के एक एक बच्चे को यहाँ आकर के बैठना चाहिए,
116 गांवों के एक एक बच्चे को यहाँ पर किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई उनकी है और इस लड़ाई में अगर आपको बुलाना पड़ रहा है या आओ भाई लड़ाई में तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, तो भाई एक बात याद रखिएगा, अगर आपको स्वर्ग जाना है तो उसके लिए आपको मरना पड़ेगा। ये मर रहे हैं तो ये स्वर्ग जाएंगे, कल को हो सकता है कि ये अपनी लड़ाई जीतेंगे तो जो मुआवजा मिलेगा वो मुआवजा आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये चार परिवारों को मुआवजा मिलेगा, ये लड़ाई आपकी है, फिर इस लड़ाई में आप सहयोग कीजिए, क्योंकि मरने के लिए स्वर्ग जाने के लिए आपको मरना ही पड़ेगा। हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है और संभवतः झारखंड के मीडिया की ये सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग, सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग इस लिहाज से कि आज तक आपने बाढ़ के बाद की ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी है, हमने ठीक डूब क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्टिंग डूबने से पहले कर दी है। अगर सरकार और प्रशासन संज्ञान ले तो इसको डूबाने से बचाया जा सकता है। सहयोगी हमराज के साथ गुलाम रब्बानी, सुनील गुप्ता के साथ मैं अभिषेक भारती, लाइव 7 TV।